अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम फैटी एसिड सिंथेसिस डिस्कस करेंगे। उसके बाद लिपन कॉट का ये जो पाथवे है फैटी एसिड सिंथेसिस का, इसे समझेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले दो तीन चीज़ें जो हैं वो समझना ज़रूरी हैं ताकि पाथवे हमें समझ आ सके। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फैटी एसिड सिंथेसिस की ज़रूरत क्यों है हमारी बॉडी में, वाई। अच्छा, नॉर्मली हमें पता है कि जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं उनके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो ग्लूकोज है, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन के जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाए और ग्लूकागॉन वगैरह रिलीज होते हैं इस ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए, जैसे हमने पढ़ा एंडोक्राइनोलॉजी में, तो ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को ग्लूकागॉन ब्लॉक कर देते हैं। तो उस टाइम जो सेल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एनर्जी कहां से आती है बच्चों? उस टाइम एनर्जी आती है फैट से, फैटी एसिड से, ठीक है। सो इन अलार्मिंग कंडीशन या जब ग्लूकोज कम है या फास्टिंग कंडीशन है, तो उस टाइम जो है हम इन फैटी एसिड से क्या ले सकते हैं? एनर्जी। सो ये एनर्जी फ्यूल के तौर पर एक्ट करते हैं। सेकंड चीज आती है कि सिंथेसाइज कहां होते हैं हमारी बॉडी में। जो फैटी एसिड हैं वो दो तरह से होते हैं, या तो डिनोवो सिंथेसिस होती है यानी विद इन सेल सिंथेसाइज होते हैं, या हमारी डाइट में हमें मिलते हैं टैग की फॉर्म में, ठीक है, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। वो किस तरह से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है उसे हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़नी है डिनोवो सिंथेसिस, ठीक है, जो डिफरेंट स्टेप्स पे मुश्तमिल है। सो इसकी सिंथेसिस हो रही होती है बच्चों विद इन साइटोप्लाज्म, और कौन कौन से मेजर ऑर्गन्स में होती है? लिवर में, लैक्टेटिंग ग्लैंड्स में और एडिपोज टिश्यू में। समझने के लिए बस अभी दो तरह के एंजाइम्स जो है वो अपने जहन में रख लें कि जो इस रिएक्शन में यूज होंगे, एक कार्बोक्सीलेज है और एक सिंथेज है, ठीक है। एसिटाइल को एक कार्बोक्सीलेज और फैटी एसिड सिंथेज। जो कार्बोक्सीलेज है उसका काम है सिंपल कार्बोक्सीलेशन करना, जो सिंथेज है उसमें बच्चों हमारे पास क्या है याद रखना है, ये मल्टी डायमेंशनल एंजाइम है। इसमें तकरीबन 7 डिफरेंट डोमेन्स हैं, 7 ही स्टेप्स होते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस में एक 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 राउंड में, ठीक है। तो उसमें इसकी जो 7 डोमेन्स हैं वो डिफरेंटली एक्ट करेंगी हर स्टेप पे, हम देखेंगे कैसे, उनके नाम भी देखेंगे। जबकि ये भी मल्टी डायमेंशनल एंजाइम है, इसके भी आगे 2 डोमेन्स हैं और उसको हम पढ़ेंगे आर्म मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या है, को एंजाइम में हमें क्या क्या चाहिए। बायोटिन चाहिए, ठीक है, और NADPH चाहिए रिडक्शन के लिए, इस प्रोसेस में रिडक्शन होनी है। ATP चाहिए फॉर एनर्जी पर्पज। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए? ये जैसे बताया कार्बोक्सीलेशन के लिए चाहिए, जिसे हमने लिया कहां से? बायकार्बोनेट आयन से। स्टेप्स कौन से बार बार रिपीट होंगे, ये एक दफा आप जहन में चीजें रख लेंगे ना तो पाथवे को समझना आसान है। इसको याद करने के लिए आप याद कर लें CRDR, ठीक है, CRDR। सी से कंडेंसेशन होनी है पहले, जिसमें कार्बोक्सीलेशन और डीकार्बोक्सीलेशन होगी, रिडक्शन होनी है, डिहाइड्रेशन होनी है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, अगेन रिडक्शन होनी है। रिडक्शन में क्या किया जाता है? हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन एटम ऐड किया जाता है फ्रॉम NADPH उससे लेके, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन जो ऐड कर रहे हैं इसका मकसद होता है कि जो डबल बॉन्ड है उनको कन्वर्ट किया जाए सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि जो फैटी एसिड्स हैं वो दो तरह के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्डेड भी होते हैं और डबल भी। कार्बन 1 से 16 तक अगर हम कोई फैटी एसिड का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उसमें हमें ये बात यकीनी बनानी है कि सारे के सारे बॉन्ड क्या होने चाहिए? सिंगल, ठीक है। 16 से ऊपर अगर कार्बन एटम है तो फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे हमने पढ़े हुए हैं ओलिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड्स वगैरह, ओके। 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें इस सिंथेसिस में बार 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 यूज करने हैं। एक हमें यूज करना है एसिटाइल को ए, ठीक है, और एक हमें यूज करना है मेलोनाइल को ए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एसिटाइल को ए और मेलोनाइल को ए कहाँ से आते हैं हमारी बॉडी में, कहाँ बनते हैं, और फिर वो साइटोप्लाज्म में कैसे आते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन होना है विद इन साइटोप्लाज्म। वो मैं आपको बताती हूँ, ओके। जैसे हमने कार्ब मेटाबॉलिज्म में पढ़ा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू वो किसमें कन्वर्ट होता है? पाइरूवेट में, ठीक है। एंड पाइरूवेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? एसिटाइल कोए में। एसिटाइल कोए तो बन गया, हमें यही चाहिए था, लेकिन ये तो विद इन माइटोकॉन्ड्रिया है, हमें एसिटाइल कोए कहाँ चाहिए? साइटोप्लाज्म में चाहिए। एसिटाइल कोए इस वॉल को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता, एसिटाइल कोए क्या करेगा कि ये कंबाइन कर लेगा ऑक्सैलो एसिटेट के साथ, ठीक है। किसके साथ कंबाइन करेगा? ऑक्सैलो एसिटेट के साथ, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिट्रेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिट्रेट में। और नॉर्मली ये TCA साइकिल होता है, लेकिन अगर बॉडी में ATP की लेवल्स ऑलरेडी हाई हों तो फिर TCA साइकिल रन करने की जरूरत नहीं है। फिर ये होगा कि ये जो सिट्रेट है इसको हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा डिफ्यूज होकर कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। जब ये सिट्रेट यहाँ पे आएगा और ये जो सिट्रेट बना है इन द प्रेजेंस ऑफ बना है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम, ठीक है, जब ये सिट्रेट यहाँ आएगा तो एक और चीज याद रखनी है कि जो कोए है ना वो यहीं पे निकल जाता है, वो इसके साथ नहीं आता, ठीक है। जब ये सॉरी इसमें कन्वर्ट हो रहा होता है ना तो यहां से कोए बाय चला जाता है, ठीक है। अब इसके पास कोई एंजाइम नहीं है, अब यहां पे सिट्रेट लाइएज एंजाइम हम यूज करेंगे। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? सिट्रेट लाइएज, और साथ यहाँ पे क्या भी डालेंगे? कोए भी डालेंगे और ATP को भी यूज करेंगे। जब ये तीनों चीजें हम यूज करेंगे तो सिट्रेट टूट जाएगा और इसमें से 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे हमारे पास, एक तो ऑक्सैलो एसिटेट आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा एसिटाइल कोए इन द साइटोप्लाज्म जो हमें चाहिए था। सो एक प्रिकर्सर आ गया हमारा इस शटल के थ्रू, इसे हम कहते हैं मैलेट सिट्रेट शटल, ठीक है। ये अकेला नहीं आ सकता था एसिटाइल कोए, इसलिए हमने उसे किसमें कन्वर्ट किया? पहले सिट्रेट में। सिट्रेट आ गया, सिट्रेट को लाइएज की प्रेजेंस में तोड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड कोए, और वो दोबारा कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोए में। एक प्रिकर्सर हमें मिल गया, अब हमें दूसरा बनाना है, विच वन इज मेलोनाइल कोए। वो कैसे बनेगा? सो 2 प्रिकर्सर चाहिए हर जब हमारे पास स्टार्ट होगा पूरे का पूरा फैटी एसिड सिंथेसिस का साइकिल, तो बाकी प्रोसेस तो रिपीट होते हैं, लेकिन शुरू में ना हमें एक एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल भी डालना है, ठीक है। सो एक एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में डालने के लिए हमने रिजर्व कर लिया, दूसरे एसिटाइल कोए को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? मेलोनाइल कोए में। किस तरह से कन्वर्ट किया बच्चों? यहाँ पे सिंपल एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप ऐड किया जाता है, ठीक है, इसकी कार्बोक्सीलेशन होती है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मेलोनाइल कोए में। एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड है जबकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐड की गई है, कार्बोक्सीलेशन हुई है। किसकी प्रेजेंस में होगी?
एसिटाइल को ए कार्बोक्सीलेज जो एंजाइम मैंने आपको शुरू में बताया था, एसिटाइल को ए कार्बोक्सीलेज की प्रेजेंस में ये क्या हो गई, कार्बोक्सीलेशन हो गई और एसिटाइल को ए किसमें कन्वर्ट हो गया, मेलोनाइल को ए में। लेकिन ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे क्या भी यूज हो रहा है, हमारे पास बायोटिन भी यूज हो रहा है, ठीक है, एटीपी भी यूज हो रहे हैं, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज हो रही है जो कहां से ले गई है, बायकार्बोनेट आयन से। ये प्रोसेस हुआ कैसे, ये होता है आर्म मैकेनिज्म के थ्रू। आर्म मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, होता ये यूँ है आम मैकेनिज्म के, जैसे ये हमारे पास है ना एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज, ये भी एक मल्टी डोमेन एंजाइम है, इसके पास दो कार्बोक्सिलेजेस अब फर्दर, ठीक है, उसे हम कहते हैं बायोटिन कार्बोक्सिलेज और ट्रांस कार्बोक्सिलेज। फॉर एग्जांपल दिस वन इज बायोटिन कार्बोक्सिलेज और ये क्या है हमारे पास ट्रांस कार्बोक्सिलेज। अब जो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट थी वो क्या था, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ें थी इनमें हमारे पास क्या था, बायोटिन था, ठीक है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड थी और क्या था, एटीपी। तो ये बायोटिन कार्बोक्सिलेज क्या करता है, एटीपी की प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे पहले ऐड करता है बायोटिन के ऊपर, किसके ऊपर ऐड कर देता है, पहले बायोटिन के ऊपर। ये बायोटिन कन्वर्ट हो जाती है बायोटिन कार्बोक्सिलेज में, ठीक है, यानी इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रुप ऐड हो जाता है। तो ट्रांसलुकेस क्या करता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप को रिसीव करता है, ये ट्रांस कार्बोक्सिलेज इस कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप को इससे ले लेता है और इसे आगे ट्रांसफर कर देता है जहां इसकी जगह है, ठीक है। तो इसको कहां ट्रांसफर कर देता है, यहां पे, कि ये जो रिएक्शन होना चाह रहा था उसको मिले, सो एसिटाइल को एक कार्बोक्सिल ग्रुप मिल जाता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेलोनाइल कोए में। तो समझ आइए कि जो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है वो एक मल्टी डोमेन एंजाइम है, पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप है ना ये इस एटीपी की प्रेजेंस में और बायोटिन कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में पहले किसके ऊपर ऐड होता है, बायोटिन के ऊपर, और फिर इस बायोटिन से ट्रांस कार्बोक्सिलेज ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप लेता है और किसको दे देता है, एसिटाइल कोए को, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए मेलोनाइल कोए में। यहां तक तो हमारे पास थी बच्चों बेसिक चीजें जो पता होना चाहिए थी। अब हमारे पास असल में जो फैटी एसिड सिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसे मैं कोशिश करती हूँ कि आपको यहाँ डायग्राम से ही समझाऊँ।